मम्मा प्लीज मुझे ना ये पुरानी मिसालें मत दिया करें आप। आप यहाँ पे सिर्फ चंद साल रुकिए, यहाँ पे सब कुछ बहुत बदल चुका है। कुछ नहीं बदला है वरीशा, सबका सब वैसा ही है। ये जो तुम कह रही हो ना, पहले भी यहाँ सब ऐसे ही होता था। शुरू से ही शीरी जो है वो मुख्तार की और महरुन्निसा की चापलूसी करती थी, जिसके बदले में तुम्हारे बाप का सारा कारोबार इसके शौहर को मिल गया और अब उसकी बेटी को वहाज मिल रहा है। वो पहले भी दोनों हाथों से दौलत समेट रही थी और अब भी समेट रही है। जो भी है, वहाज और शिफा को ने अलग करना बहुत मुश्किल है, और वो भी इस टाइम पे जब उनकी डेट फिक्स होने वाली है। शादी की तारीख तय हुई है ना? शादी हुई तो नहीं? महक मुझे तो फोन, एक मिनट। हेलो, हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम एंजॉय करो। एग्जैक्टली, ये बात आप मामा को भी समझा दें। तो बस हर वक्त मुझे गलत समझती है, वो तो चाहती नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से भी कुछ करूं। अच्छा डोंट वरी बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मामा को समझा दूंगा, ठीक है? अब तुम्हें कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझे अपने डैड को फोन करो ना। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। यू नो, मामा ने चाहे जिंदगी में कुछ अच्छा किया हो या नहीं, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया। कौन सा? आपसे शादी करना। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मेरा तो मामा के साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं था भाई। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मामा बहुत अच्छी हैं। भाई तुम्हारी बात सुनकर ना तुम्हारी मामा को गुस्सा आ गया। हाँ तो ये आपका प्रॉब्लम, मेरा थोड़ी है भाई। दिल की बुरी नहीं है तुम्हारी मामा, बस जरा बात गुस्से से करती है। लगता है कोई अपनी वाइफ से डर गया है। भाई हर शरीफ आदमी अपनी बेगम से डरता है, इसलिए मैं भी डरता हूँ। चलो तुम एंजॉय करो, रिलैक्स रहो, मैं जरा तुम्हारी मम्मा को मना लूं, बहुत गुस्से में गई। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। महक, तुम्हें हजार बार कहा है कि हमारी जासूसी करने के लिए हमारे घर के चक्कर ना लगाया करो, अपने क्वार्टर तक ही महदूद रहा करो। मुमानी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे मुमानी ना कहा करो, मैडम कहा करो। मैडम, मैं जासूसी नहीं कर रहा था, मैं तो मामू का इंतजार कर रहा था। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, हम बाद में बात करेंगे, जाओ। ठीक है मामू, वो कोई काम तो नहीं है आपको? जुलैखा से कहो मेरे लिए कॉफी भेजे। जी मैडम। तुम्हें क्या हुआ है भाई, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या हुआ है? ये तुम और तुम्हारी बेटी ना अपनी मनमानी करते हो। तुम लोगों की नजर में मेरी ना कोई अहमियत है और ना कोई हैसियत। कैसी बातें कर रही हो तुम, गलत फहमी है तुम्हारी, तुम्हारी तो अहमियत और हैसियत है। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। क्या आज तक किया क्या है तुमने मेरे लिए? कहां से कहां पर आ गई हूं मैं, और अब कुछ हाथ आने की थोड़ी सी उम्मीद बनी थी तो तुम्हारी बेटी को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। आ जाएगी उसकी समझ, तुम इत्मीनान रखो। तुम वरीशा के मिजाज से वाकिफ हो ना, उसे राजी करने का तरीका अलग है, आप उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। महमूद, वहां शादी की डेट फिक्स हो रही है और तुम कह रहे हो कि इत्मीनान रखो। शिफा वहाज की बीवी बन जाएगी। अभी तुमने खुद ही कहा है ना कि वहां पर शादी की तारीख रखी जा रही है, शादी तो नहीं हो रही ना। बेफिक्र रहो और देखती जाओ, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरी बिसात पलट दूंगा।
महक, क्या हो गया महक तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं वरिषा से कहूंगा कि वो तुम्हारी सारी बातें माने, और जो उस घर वालों के बारे में तुम्हारे ख्याल आते ना वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम वहां रही हो, वाकिफ हो उनसे। अब तो अपना मूड ठीक कर लो महक। कॉफी नहीं आई तुम्हारी? रुको मैं बोलता हूं। सुलेखा कॉफी लाओ मैडम की। भाई शैला जी, भाभी मैं ना बीजान को दवा देने जा रही हूँ। आज ना उनके लिए रात के लिए बहुत परहेजी खाना बनाना, सुबह वैसे बहुत बदपरहेजी कर ली है उन्होंने। ठीक है भाभी। भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हुआ, और बर्तन तोड़ लिए क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, अब मैं इतने भी बर्तन नहीं तोड़ती। बोलो क्या बात है। भाभी मुझे तो फरीशा बीबी की समझ नहीं आती, इतनी अजीब अजीब सी बातें करती हैं। सच में ना महक बीबी ने जरा भी अच्छी तरबियत नहीं की उनकी। अच्छी तो छोड़ें, समझे तरबियत ही नहीं की। क्या हो गया, कुछ कहा है उन्होंने? नहीं भाभी मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं सुबह उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने गई ना तो वो बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रही थी। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मिलके खाने से मोहब्बत पड़ती है, लेकिन आगे से उन्होंने एक कोई वो अंग्रेजी का जुमला था जिसका मतलब मरने मारने का था। होश में हो तो फजूल बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारी ये बात है ना बीजान या किसी और ने सुननी ना घर में तो तुम्हें खड़े खड़े निकाल देंगे। फरीशा घर की बेटी है, सोच समझ के बात किया करो। भाभी अब मैंने ऐसी कोई गलत बात भी नहीं की, सच में उन्होंने ऐसा कहा था। सच बताऊं मुझे तो डर लगने लगा है। अभी किसकी बातें सुनने खड़ी हो गई हूँ? भाभी अल्लाह ही रहम करे इस घर पे। अब बेटा मैं जाती हूँ कि शीरें के ससुराल वालों को तुम लोग खुद फोन करो, जानते तो हो उन लोगों को, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। बेचारा बेफिक्र रहिए, जफर भाई को मैंने खुद फोन किया है, उन्हें इनवाइट किया है, और बाकी के लोगों को मेहनसा कॉल कर लेंगे। क्यों बेटा, अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं भी किसी को बुलाना चाहती हूँ। भीजान कैसी बातें करती हैं आप, जिसे चाहे आप इनवाइट करें। वैसे भी वहाज और शिफा की खुशी में सबसे ज्यादा आपका ही तो है। ज़बैदा वे किसको बुलाना चाह रही हैं? महक को। महक को? हाँ बेटा महक को। मैं चाहती हूँ कि वो आए तो साथ ही वरिषा के सिलसिले में भी बात हो जाए। हाँ बीजान, लेकिन बात तो किसी दिन भी हो सकती है, उसी दिन क्यों? इतराज़ है तुम्हें? नहीं मुझे इतराज नहीं है, बस मैं तो यूं ही कह रही थी। अरे बीजान ना की मर्जी जिसको मर्जी बुलाइए, आप महक को फोन कर लीजिएगा। अच्छा वरिषा भी खुश हो जाएगी।